भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सबसे पहले आप सभी को देश की आजादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट रेट 75 और गोवा मुक्ति के 60 साल गोवा एट रेट 60 इस पावन पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जीवनदायिनी मांडवी नदी तथा विभिन्न प्रकारों की जीव संपदा से प्रफुल्लित वेस्टर्न घाट के गोद में बसा इस गोवा राज्य में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्र तट, अंतर्मुख करने वाले जंगल, खेत खलियान और शांति और भक्ति को आकर्षित करने वाले मंदिर तथा प्रार्थना स्थल गोवा की कीर्ति को बढ़ावा देते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनाउषधम। इसी उक्ति को यथार्थ बनाते हुए इस परशुराम भूमि गोमंत भूमि में औषधि वनस्पतियां और जड़ी बूटियों का एक समृद्ध भंडार यह कहना उचित होगा। मैं विज्ञान भारती और आयुष मंत्रालय का भारत सरकार को ऋणी हूँ, उन्होंने गोवा राज्य सरकार का इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन का हमें अवसर दिया, हमें मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के उस उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक क्षण पर मैं गोवा की जनता के ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवा राज्य का मुख्यमंत्री तथा स्वयं एक वैद्य होने के नाते मुझे इस समय एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आनंद प्राप्त हो रहा है कि गोवा राज्य में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों से इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता, सभी संस्थाएं जिस तरह से लगी है, मुझे लगता है इस आगे आने वाले 4 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स सभी लोगों से इस कार्यक्रम में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं विज्ञान भारती का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। लास्ट 8 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस उन्होंने जिस तरह से 18 साल से आयोजन कर रहे हैं और आयुर्वेद पूरे देश में और विदेश में उसका प्रचार और प्रसार आप सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप हमेशा के लिए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार पूरे देश भर और विदेश में लगे हुए हैं। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जिस तरह से 4 दिन का आयोजन का साइंटिफिक सेशंस और बाकी वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो रहा है, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स सभी तरह से बड़ी मात्रा से यहाँ पे आयोजन में लगे रहेंगे। वंस अगेन आई वेलकम द इंटरनेशनल डेलीगेट्स दोज आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 35 कंट्रीज फॉर दिस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस। Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has positioned India at a greater level by making the world aware of our treasure of knowledge. We as a stakeholder of Ayurveda and allied medicine shall remain grateful to Modi ji for setting up of Ayush Ministry for the first time in India's independence. His consistent efforts have led to observing the 21st June is every year as the International Day of Yoga. The United Nations has adopted this day for the well-being of unity for the humanity, and more than 180 nations performing yoga together on this day. I also congratulate Honorable Prime Minister for his vision to the grant the Ayush visa to the people from around the world to visit India for Ayush based treatment and wellness. We have been also fortunate that Sri Sripad Babu Naik was the first minister of state for Ayush, and his efforts for propagating Ayurveda, Yoga, Siddha, Yunani and Homeopathy are indeed noteworthy. With the continuous support of the central government, and Goa state has got the honor of having
सेकेंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस आयुष हॉस्पिटल. दिस हॉस्पिटल ऑल्सो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट PhD course wherein the local Goan students will have 50% of the reservation in admission. Ayurveda, in my opinion, is the biggest ambassador of brand India in the world arena. We all perform the various roles as a student, teachers, researchers, practitioners, manufacturers, distributors, etc. And being the stakeholders in the field of Ayurveda, it is our duty to propagate this system of medicine. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted the Ayush doctors at these places. Ayurveda shows us the path to live the healthy way of life. As the Ayurveda practitioners, our motto is Swasthasya Swastha Rakshanam Aturasya Vikara Prashamanam. To maintain the health of healthy individual and to treat the disease of the patient. Ayurveda follows the concept of Dinacharya, which emphasizes on the natural cycle like waking, sleeping, working, meditations, etc. and Rutucharya, and which emphasizes on managing the dietary intake sync with the seasonal change, are the important for health. Ayurveda is also emerging and getting the recognized at the global level, and I urge the Ayurveda practitioner to explore the opportunities. The people are also giving the great importance to Ayurveda and meditations in terms of the pre-pregnancy, the pregnancy and post-pregnancy period to have the healthy progeny. The Garbha Sanskar is being referred as commonly. It is in itself exclusively area that can be concentrated upon and pursue as a successful career by the practitioner. Through the discourse and interactions in these 4 days, we must spread the word about the greatness in our traditional system of medicines, which can show a way the world create the healthy and awakened society. I am aware that we see today, in the next 4 days, the result of unstinted support and hard work of several individuals and institutions. I thank all of them from the bottom of my heart. To all the delegates, and you should not only the participate in the Ayurveda Congress and with your mind and soul, but also find a time to explore this iconic place. I extend my best wishes for this great event. हाव परत एकदा समेस्त गोयकारांक आवाहन करता की तुम्ही सगळ्यांनी या 4 दीस जावपी आयुर्वेद काँग्रेसीक मोठ्यान वाटो घेवचो आणि हांगा जावपी एक्सपो समेस्त गोयकारांनी तो पळोवचो. मैं सबसे लास्ट में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं याद करता हूँ जो आज एक्चुअली जो ट्रीटमेंट ले रहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऑफ विज्ञान भारती जयंतराव सहस्त्रबुद्धे, जो उन्होंने ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में होनी चाहिए इसके लिए उनका प्रयास था और आज ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में हो रही है. लेकिन जयंतराव सहस्त्रबुद्धे जो पायनियर था इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का, जो गोवा में होने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो आज इस कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पा रहे, खुद उनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं. मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के वास्ते एक कार्यक्रम इतना बड़ा यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है. आगे आने वाले 4 दिन में हम इस आयुर्वेदा पूरे सभी देश विदेश में माननीय मोदी जी की जो थीम है, जो हर दिन हर घर आयुर्वेदा और हर दिन हर रोज हर एक के लिए आयुर्वेदा, यही थीम आगे लेके आयुर्वेदा को आगे लेके जाएंगे. मैं फिर एक बार
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स देता हूँ। उन्होंने आयुर्वेदा डे मनाने के लिए पूरे देश भर में उन्होंने नेशनल आयुर्वेदा डे भी मनाया और हर दिन हर घर आयुर्वेदा पहुँचाने के लिए बड़ा योगदान मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री का रहा। जय हिंद, जय आयुर्वेद। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू वॉच योर लेटेस्ट वीडियोस।